Good morning, students. In the last video, what we have seen? We have seen the adaptation of living things. Okay. Today, the remaining part I will teach you, which are Darwin's theory of evolution and binomial nomenclature by Carl Linnaeus. Okay. Darwin, he had given so many things to us, so many historical information he had given to us. Okay. He had given two principles. First principle is the survival of the fittest. So Darwin जो है वो scientist ने हमको बहुत सारा benefit दिया हुआ है. उन्होंने research करके बहुत सारा benefit दिया था. उसमें से first principle उन्होंने जो दिया है survival of the fittest. Survival of the fittest means who are likely to survive to the adaptation of the surroundings. जो भी surroundings के हिसाब से रह सकते हैं, survive कर सकते हैं, they only can likely to survive in the cold. उतना ही लोग ऐसा रह सकते हैं जो सराउंडिंग के हिसाब से उनको सर्वाइव करने को लिव करने को प्रॉब्लम नहीं होता है वही लोग ये वर्ल्ड में रह सकते हैं दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सेकंड प्रिंसिपल इज द नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन मींस हु आर लिविंग या हु आर गिविंग बर्थ विद न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे कैन गिव सम न्यू थिंग्स टू द वर्ल्ड. ओके दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन. Means in evolution means it takes so many time. For example, years together they have taken for evolution. So whoever living in this world with new characteristics, they can live in this world. That is the natural selection of Darwin's theory of evolution. Next is the binomial nomenclature by Carl Linnaeus. Carl Linnaeus also is a scientist and he had given so many informations to us. And binomial nomenclature means suppose for example in a class too many students of the same name. Suppose Kiran, there are four students of name Kiran. चार बच्चे किरण नाम के चार स्टूडेंट्स है तो हम लोग कुछ टीचर बोलते हैं तो कैसे समझ में आता है वो यही किरण को बोल रहे बोल के तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसके लिए सरनेम यूज करते हैं नहीं तो फादर्स नेम. वैसे दोनों नेम कंपेयर करके हम लोग स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी क्या करते हैं वो आइडेंटिफाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रिंसिपल यूज करते हैं. ठीक है तो उसके बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म. फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस थियोरी. एंड नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. क्लासिफिकेशन बोला तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला तो क्या रहता है जो भी ग्रोथ होता है उनको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. उसमें क्या क्या आ सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स रहते हैं और ये रहता है ह्यूमन बींग्स रहता है एनिमल्स रहता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कीड़े रहते हैं इंसेक्ट वो भी उसके अंदर ही आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो उनके बारे में सब क्लासिफिकेशन रहता है. ठीक है बहुत सारे क्लासिफिकेशन लिविंग एनिमल्स की और प्लांट्स का बहुत सारा क्लासिफिकेशन रहता है. तो ये आप लोगों को एक स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ने के तो क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला तो क्या है जो प्लांट्स रहते हैं एनिमल्स रहते हैं उनका सब अलग अलग इसमें डिफरेंस देखना या बारीक इसमें डिफ्रेंशिएट करके देखना दैट इज द क्लासिफिकेशन. बोलो तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग करके देखना दैट इज द क्लासिफिकेशन. तो वी हैव सीन थ्री टॉपिक्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. इन दैट टू प्रिंसिपल्स दे हैड गिवन सर्वाइवल टू द फिटेस्ट एंड नेचुरल सेलेक्शन. एंड सेकेंड वन इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस फॉर आइडेंटिफाई द ईच ऑर्गेनिज्म. एंड लास्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. टुडे आई विल गिव द नोट्स टू यू and from the next Monday I will give the revision and after that there will be a test of this whichever notes we had given from that there will be a test. So you study properly. Okay.